इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। चीन की पॉलिटिक्स बहुत सरल तरीके से आज आपको समझा देता हूं। उस पर भरोसा करेंगे तो धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वो अपनी बेवकूफी में कई बार सच्चाई गलती से ही सही स्वीकार जरूर कर लेता है। तो जरा बताते हैं कि ये धोखेबाज चीन की नई कहानी हम कौन सी आपके सामने लेकर आए हैं। चीन विंटर ओलंपिक करवा रहा है, मालूम तो होगा ही आपको, खबरें हम बता ही रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसी क्रम में उसने वो किया जो भारत का खून खौला देगा। वहीं उसने ये भी बता दिया कि उसके जो सैनिक हैं वो भारत से जबरदस्त तरीके से मार खा चुके हैं। जी बिल्कुल, हम जो कह रहे हैं उसके पीछे हमारा कोई हवा हवाई बातें नहीं है हमारी, हम आपको पुख्ता दावे दिखाने जा रहे हैं। चीन का जो सरकारी अखबार है, तोता अखबार जिसे हम कहते हैं, ग्लोबल टाइम्स, उसने बताया कि पीपल लिबरेशन आर्मी के रेजिमेंट कमांडर क्यूई फैबाओ, जिसे भारत के साथ गलवान घाटी झड़प में सिर में चोट लगी थी, वो ओलंपिक मशाल रिले के दौरान मशालची के तौर पर नजर आया। ये वही सैनिक है जो लंबे वक्त से भारत की पिटाई के बाद अस्पताल में इलाज करवा रहा था। तो देखिए, ये फोटो ट्वीट करने के बाद ग्लोबल टाइम जो तोता अखबार है उसने जो है ये जानकारी दी कि देखो भैया, हमारे यहाँ सैनिक को कितना सम्मान मिलता है, हम क्या करवा रहे हैं। लेकिन उसने बातों बातों में गलती से ये बता दिया कि ये भारत के हाथों बुरी तरीके से पिटाई खा चुका है। विदेश नीति के जानकार कहते हैं कि ऐसा करके चीन भारत के खिलाफ जो है वो दुष्प्रचार और चीनी सैनिकों की बहादुरी का प्रचार करना चाहता है। खैर, ये तो रही पिटाई स्वीकार करने की बात। अब बताते हैं कि धोखेबाजी ये कैसे है। चीन द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन के चलते ही दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देश ने बीजिंग विंटर ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार किया। ये देश अपने खिलाड़ियों को चीन भेज रहे हैं लेकिन किसी राजनयिक को नहीं भेजेंगे। अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई पश्चिमी देशों ने शिनजियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को उजागर करने के लिए अपने राजनयिकों द्वारा इस आयोजन का बहिष्कार करने की घोषणा की। लेकिन देखिए, भारत की नीति हमेशा से स्वतंत्र रही है, वो अमेरिका से प्रभावित होकर या किसी दूसरे देश से प्रभावित होकर अपने फैसले नहीं करता है। भारत को लगा कि चीन जो है वो खेल करवा रहा है और उसे उसका समर्थन मिलना चाहिए, भारत ने इस तरह का कोई बायकॉट नहीं किया। चीन जो है, भारत ने इस विंटर ओलंपिक जो है चीन का, उसका समर्थक किया। चीन इसके बाद जो है कुछ दिनों तक उसने मीठे बोल बोलने लगा, बताया कि भाई भारत चीन की जो दोस्ती है वो उसके बीच में कोई नहीं आ सकता है, सम्मान है और ये है वो है। लेकिन देखिए धोखेबाजी, कि उसका जो तोता अखबार है वो कैसे गलवान की घटना को प्रचारित प्रसारित करके विंटर ओलंपिक्स के नाम पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। अब जरा आपको जल्दी से हम रिकैप करते हैं और बताते हैं कि गलवान में क्या हो गया था। साल 2020 में 15-16 जून की रात में भारतीय और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में एलएसी पर हिंसक झड़प होती है। भारत की तरफ से इस झड़प में एक कमांडर समेत 20 सैनिक शहादत हासिल करते हैं। हालांकि चीन के कितने सैनिक मारे गए इसे लेकर चीन ने कभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। कभी उसने 2 कहा, कभी उसने 4 कहा। लेकिन हमारा नेचुरल एलाई रशिया, उसकी एक न्यूज एजेंसी है, उसने जो है बड़ी सटीकता के साथ ये दावा कर बता दिया कि इस झड़प में चीन के 44 सैनिक भारत ने मार गिराए थे। अगर चीन को अपना इतिहास याद नहीं है और वो इस तरह की डिप्लोमेसी करके, नीची डिप्लोमेसी करके, इस तरह की गिरी हुई हरकत करके अगर वो भारत की भावनाओं को भड़काना चाहता है, भारत के खून को खौलाना चाहता है, तो उसे अंजाम याद कर लेना चाहिए गलवान का। आप देख रहे थे भारत तक।